स्टूडेंट्स को अपने घर का खाना अगर अच्छा नहीं लग रहा तो टीचर्स क्या करें? गुड, आप यहाँ पे जीत चुकी है 1 करोड़ रुपए। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने नए शो में जिसका नाम है खाना बनेगी करोड़पति। जी हाँ फ्रेंड, ये हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम हना को करोड़पति बनाने की ट्राई करेंगे। राइट हना, आर यू रेडी? यस। राइट, तो तुमने कुछ तैयारी जुड़ी की है हमारे शो में आने के लिए? बहुत तैयारी करी है मैंने, एक साल पढ़ा है। मैं छोटी थी तब से मेरा सपना था आपके शो में आने का और आज मेरा सपना पूरा हो गया। तो गाइस, हम ऐसे छोटे छोटे बच्चों के सपने अपने शो में पूरे करते रहते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि आज हना अपने सपने पूरे कर पाती नहीं कर पाती, 1 करोड़ जीत पाती नहीं पाती, ठीक है? तो चलिए हमारे साथ इस शो में बने रहिए। चलिए अब हम करते हैं अपनी गेम स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गेम प्ले कैसे करनी है। रेडी हना? यस। ठीक है, गेम समझने के लिए तैयार हो? यस। तो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप मेरी अभी स्क्रीन देख पा रहे हो, हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है जिसका जवाब हना ने दिया, ठीक है? तो हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट उसके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से उसको एक ऑप्शन चूज करना। तो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे है टॉपी। अगर हना पहले क्वेश्चन का जवाब ठीक देती है तो उसको मिलेगी टॉपी, सेकंड क्वेश्चन का जवाब ठीक देती है तो उसको मिलती है चॉकलेट, राइट? और थर्ड क्वेश्चन से हमारा कैश प्राइज शुरू हो जाएगा जो की 1 रुपी से स्टार्ट होता है, 1, 10, 100, 1000 और फिर 0000 लग लग के वो कितना पहुंच जाएगा 1 करोड़। तो हना यहाँ कितने पैसे जीतने आई है, चॉकलेट टॉफी या फिर 1 करोड़? क्या करोगे 1 करोड़ का? मैं अपने पार्टी करूंगी, बहुत बड़ा बंगलो लेगी। ये देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे बंगलो लेना चाहते हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर हमारा शो भी खेलने आते हैं। आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन है, उस हरे क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस मिलेगी, 4 ऑप्शंस में से आपको एक सही ऑप्शन चूज करनी है जीतने के लिए। रेडी? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कि कैसे खेलना है इसको? नो नो, ठीक है? तो 10 क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन का अगर आपने सही जवाब दिया तो आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। रेडी? तो चलिए फ्रेंड, हना के साथ हम शो करते हैं अपना स्टार राउंड 1 से। तो हना, आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन है आपका, आपको कैसी टीचर अच्छी लगती है? पहली ऑप्शन, ज्यादा पढ़ाने वाली, बी ज्यादा आपको खिलवाने वाली, गेम्स खिलवाने वाली, ठीक है? थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल भी ना पढ़ाने वाली, या फोर्थ, कोई भी नहीं आपको टीचर अच्छी लगती है, राइट? तो देखते हैं कि हना इसका पहला क्वेश्चन का जवाब ठीक दे पाती है नहीं। तो हना का टाइम शुरू होता है अब। बी, ज्यादा खेलने वाली। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको टीचर ऐसी लगती है कि जो आपको ज्यादा खिलवाए और आपके साथ खेले भी, राइट? यस। तो चलिए कंप्यूटर सीन प्लीज बताइए कि हना का जवाब ठीक है या नहीं। सही जवाब, ज्यादा खेलने वाली टीचर हना को अच्छी लगती है। वेरी गुड हना, बहुत अच्छे। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया तो ये रहा आपका पहला प्राइज जो की है टॉफी। तो चलिए हना का सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपका क्वेश्चन है ना, आपको पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ए मैथ्स, बी ड्राइंग, सी साइंस और डी स्पोर्ट्स। तो है ना, तो ये है आपकी 4 ऑप्शन। अब आपको सही जवाब देना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। बी ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग में कोई मेहनत सोच विचार नहीं करना पड़ता, गलत बन गई तो कोई बात नहीं। क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट, वेरी गुड वेरी गुड। तो कंप्यूटर, तो प्लीज बी ड्राइंग को लॉक किया जाए और हमें बताइए कि ये जवाब ठीक है या नहीं। सही जवाब, ये है आपका प्राइज सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो चॉकलेट उसका इनाम आपको। अब होता है थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट जिसमें है हमारा प्राइज कैश मनी जिसके लिए हना यहाँ पर आई है। रेडी हना, थर्ड राउंड के लिए तैयार हो आप? टॉफी और चॉकलेट के साथ आप घर जाना चाहते हो? नहीं, मैं 1 करोड़ रुपया जीत के ही जाऊंगी घर। ओके, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है, कौन सी चीज आपको टीचर्स में अच्छी नहीं लगती? ठीक है, ए पढ़ाना, बी टेस्ट लेना, सी डांटना और डी घर जल्दी ना जाने देना। ठीक है, वैसे तो सारी ऑप्शन ही ठीक लग रही है मुझे, तो चलो हना से पूछते हैं। ठीक
ठीक है तो है ना, आपका टाइम शुरू होता है अब। मुझे लगता है बी सही है, टेस्ट लेना। टेस्ट क्यों, आपको टेस्ट लेना अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि पहला तो उसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, टेस्ट देना पड़ता है, अगर गलत मार्क्स आ गए तो कटा काटा, राइट। और फिर डांट अलग से पड़ती है मम्मी से और टीचर से। हाँ तो चलिए आपका आंसर हम लॉक करते हैं बी, और कंप्यूटर से पूछते हैं कि आपने सही जवाब दिया नहीं दिया। तो कंप्यूटर जी प्लीज बताइए कि राउंड थ्री का जो क्वेश्चन है उसका बी आंसर है या नहीं। सही जवाब है ना, वेरी गुड। हना को टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, तो टीचर से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनका हर वीक टेस्ट मत लें, बच्चों के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ये बोर भी हो जाते हैं, राइट। तो देखो हमने आपके भी यहाँ पे हमने आपके टीचर से रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी गुड। तो चलिए अब आप ₹1 जीत चुके हैं हमारे शो में, अब हम मूव करते हैं राउंड फोर में जिसमें आपको ₹10 आप जीत सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा राउंड फोर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। होमवर्क ना करने पर टीचर्स को क्या करना चाहिए? अगर स्टूडेंट्स ने होमवर्क ना किया तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपको डांटना चाहिए, बी आपको समझाना चाहिए कि होमवर्क करके आओ, आपसे प्यार करना चाहिए कि बेटा कुछ नहीं होता, होमवर्क नहीं किया तो फिर क्या हो गया, हम भी कर देंगे। ऑप्शन डी हमारा होमवर्क टीचर को ही कर देना चाहिए, मुझे तो डी ऑप्शन बहुत अच्छी लग रही है काम की, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है ना अब, तो बताइए इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है? मुझे लगता है कि बी, कि समझाना चाहिए कि बेटा होमवर्क करा करो, कोई बात नहीं इस बार के लिए चल गया, अगली बार से नहीं चलेगा। कंप्यूटर जी प्लीज बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब बी है या नहीं। आपने सही जवाब दिया, आंसर बी बिल्कुल सही, टीचर को समझाना चाहिए ना कि डांटना चाहिए। तो आप जीत चुके हैं हमारे शो में ₹10। बहुत खुश हो? बहुत। तो आप घर जाना चाहोगे ₹10 लेके? नहीं, अभी और भी खेल। ये तो मांग ली थी, मैं तो सोच रहा था कि जल्दी में ये मान जाए तो अच्छा है, ये तो लगता है कि ₹1 crore जीत के जाएंगे और हम आपका बैंक खाली करके ही जाएंगे। बैंक खाली करके जाएंगे। चलो तो ये रहा राउंड फाइव का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एग्जाम में मार्क्स कम आने पर टीचर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए नॉर्मल रहना चाहिए, बी डांटना चाहिए, सी और अच्छी तरह टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, और डी बच्चों को थोड़ी कम टेंशन देनी चाहिए, राइट। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। हना ऑप्शन डी, बच्चों को कम टेंशन देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा फिर पढ़ाते हैं ना तो थोड़ा सा और स्ट्रेस हो जाता है। बच्चों को थोड़ी कम टेंशन देनी चाहिए कि चलो मार्क्स थोड़े कम भी आ गए तो क्या हो, अगली बार ज्यादा आ जाएंगे, है ना। अगर मैं सी ऑप्शन कहती तो उसमें मैम ज्यादा पढ़ाते कि और पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। हना को लग रहा है कि उसकी मैडम ये शो देख रही है इसलिए सी ऑप्शन ही बताई इसने, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए कंप्यूटर बताइए राउंड फाइव का क्वेश्चन का आंसर डी है या नहीं। सही जवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हना ने 5 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया और यहाँ से अब ये ₹100 अपने साथ लेके जाएगी। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन हना। थैंक यू। वेरी गुड। तो ये रहा राउंड 6 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर बच्चे क्लास में बोर हो रहे हो तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उनको पढ़ाना चाहिए, बी एंटरटेन करना चाहिए, सी छुट्टी कर देनी चाहिए जल्दी जल्दी क्या घर जाओ, या ऑप्शन डी सोने के लिए बोल देना चाहिए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने दिया है बच्चों को। मुझे तो 2 इनमें से सही लग रहे हैं। तो जल्दी बताइए, आपका टाइम खत्म हो रहा है अभी। ओके, मैंने चूज कर लिया बी, बच्चों को एंटरटेन करना चाहिए। तो कंप्यूटर प्लीज बताइए कि इसका आंसर बी है या नहीं। सही जवाब, एंटरटेन करना चाहिए, अगर बच्चे बोर हो रहे हो टीचर भी तो इनको थोड़ा एंटरटेन कर दीजिए कि आखिर को नींद ना आए, उनका ध्यान सारा पढ़ाई पे ही रहे, फोकस रहे। वेरी गुड हना, वेरी गुड, आपने बहुत सही आंसर दिया इसका और अब आप जीत चुके हैं यहाँ से ₹1000 हमारे शो से। चलिए हम चलते हैं राउंड 7 पे। फ्रेंड्स आपको ये भी हमारा शो कैसे लग रहा है? अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ये रहा हमारा राउंड 7 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
स्टूडेंट्स को अपने घर का खाना अगर अच्छा नहीं लग रहा तो टीचर्स क्या करें? ऑप्शन ए, अपना खाना स्टूडेंट्स को देना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों को आपस में शेयर करने के लिए कहना चाहिए कि दूसरे का लंच वो खाना शेयर कर लें, राइट। ऑप्शन सी, डोमिनो से पिज्जा मंगाना चाहिए, वाव। और ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स को बाहर रेस्टोरेंट ले जाना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। तो है ना, आपका टाइम शुरू होता है अब, तो बताइए प्लीज इसका आंसर क्या है। डी, स्टूडेंट्स को बाहर रेस्टोरेंट ले जाना चाहिए। तो प्लीज कंप्यूटर बताइए कि ऑप्शन डी ठीक है कि नहीं। वेरी गुड, टीचर्स को स्टूडेंट को रेस्टोरेंट के लिए बाहर ले जाना चाहिए। प्लीज टीचर्स सुनिए, ये हमारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर उनको कभी कभी घर का खाना ना अच्छा लगे तो वीक में एक बार या टू वीक्स में एक बार इनको कम से कम एक बार रेस्टोरेंट ले जाओ। अब हम चलते हैं अपने राउंड एट की तरफ, राइट। तो है ना, आप यहाँ से अब जीत चुकी हैं 10,000 रुपीज। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 1,00,000 रुपीज का। आर यू रेडी? वन वीक में, एक हफ्ते में कितनी स्कूल हॉलीडेज होनी चाहिए? अभी कितनी आपके छुट्टियां मिलती हैं आपको वीक में? दो, सैटरडे संडे, राइट। ओके, ठीक है। कभी कभार बीच में कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें भी छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो वन वीक में आपको कितनी स्कूल हॉलीडेज मिलनी चाहिए? ए है टू, दो छुट्टियां। बी, जब भी दिल करे तभी स्कूल चले जाओ। सी फाइव, पांच छुट्टियां हफ्ते में। पांच छुट्टियां हफ्ते में अगर मिलेगी तो दो दिन आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ग्रेट। और डी, कोई भी छुट्टी नहीं, राइट। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब, तो बताइए ना इसका क्या जवाब है। बी, जब दिल करे तब चले जाओ। जब दिल करे स्कूल चले जाओ, वैसे तो दिल करता नहीं इनका जाने के लिए, है ना। कंप्यूटर प्लीज बताइए कि राउंड एट का जवाब बी है या नहीं। सही जवाब, सही जवाब है ना, यहाँ से जीत चुकी है 1,00,000 रुपीज। आप खुश हो 1,00,000 से? अभी तक तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी मुझे 1 करोड़। देख लो, इसलिए 1 करोड़ तक ही रुकेगी मेरे ख्याल से ये लड़की। तो चलिए अब सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं तो आप यहाँ से 1 करोड़ जीत जाएंगे। तो आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पहुंच रहे हैं राउंड नंबर 9 पे, और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्टूडेंट्स को स्कूल में कौन सी जगह सबसे अच्छी लगती है? ऑप्शन ए क्लासरूम, बी प्लेग्राउंड, सी लाइब्रेरी एंड फोर प्रिंसिपल रूम। कभी आप प्रिंसिपल रूम गई है? नो। का टाइम शुरू होता है अब, तो बताइए कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। बी प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्यों? प्लेग्राउंड अच्छा खेलने के लिए, खेलने के लिए। क्लासरूम में पूरा दिन पढ़ते रहो, लाइब्रेरी में दोबारा पढ़ो बुक्स, प्रिंसिपल रूम तो देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो और आप पे भी अगर मैम ने डांट गया तो क्या होगा? तो चलिए कंप्यूटर से पूछते हैं कि ऑप्शन बी ठीक है कि नहीं है। तो प्लीज कंप्यूटर बताइए सही जवाब है ना। वेरी गुड, आप यहां पे जीत चुकी हैं 10,00,000 रुपीज। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपको बधाई हो, 10,00,000 रुपीज जीत चुकी हैं। सवालों का हना ने बहुत सही जवाब दिया, और अब हम जाने वाले अपने लास्ट राउंड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर हना जी सकती है 1 करोड़ रुपीज। हना, इतनी मेहनत का फल अभी तक बहुत अच्छा गया है, अब लास्ट राउंड है जिसमें मैं 1 करोड़ रुपए जीत सकती हूँ। तो चलिए आपको ले चलते हैं अब 10th क्वेश्चन में। स्कूल के टाइमिंग्स क्या होने चाहिए? तो ऑप्शन ए है 8 से 2, ऑप्शन बी 2 से 3 बजे तक, 1 घंटा आफ्टरनून में, ऑप्शन सी जब दिल करे तभी चले जाओ, और ऑप्शन डी इवनिंग में 5 से लेकर 6 बजे के बीच में 1 घंटा। तो आपका टाइम शुरू होता है, तो प्लीज बताइए कि इसका जवाब क्या है। नंबर सी, जब दिल करे तब चले जाओ। प्लीज कंप्यूटर बताइए राउंड 10 के क्वेश्चन का जवाब सी सही है या नहीं। सही जवाब है ना, गुड, आप यहां पे जीत चुके हैं। तो देखो आपने इतनी मेहनत की, तो इसलिए तो हम आपको 1 करोड़ रुपीज दे। तो ये देखिए चेक के लिए कितना ये वेट कर रही है कि मेरा 1 करोड़ रुपीज दीजिए मुझे जल्दी जल्दी। तो ठीक है, हम आपको दे रहे हैं, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है चेक देने में। तो फ्रेंड्स, ये रहा 1 करोड़ रुपीज हना के लिए। अबे वेट तो कर लो पहले, मुझे बोलने तो। ये देखो कितनी इसको जल्दी लगी अपना चेक लेने के लिए। तो ये है 1 करोड़ रुपीज आज हना जीत चुकी है।
तो हम इसको दे रहे हैं 1 करोड़ रुपीज। तो हना आप कितने खुश हो, ये लीजिए चेक। चेक पहले ले ही लिया। तो फ्रेंड्स हना जी चुकी है 1 करोड़ रुपीज, ये बहुत खुश हो रही है। तो हना आप क्या करना चाहोगी? ये क्या? अरे ये तो मेरी पूरी चेकबुक ही ले गई है साहब। तो ये देख लीजिए, आजकल के बच्चे बहुत शरारती हैं, एक चेक से इनका काम नहीं चलता, ये तो पूरी मेरी चेकबुक ही ले गई है। आज आप ये 1 करोड़ रुपए जीत के जा रही हैं, तो हम बाद में इसकी पार्टी करेंगे, राइट? ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे अगले शो में एक नए कंटेस्टेंट से। बाय फ्रेंड्स।